डियर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पापा, मम्मी और सोसाइटी, आज मेरा रिजल्ट आ गया और मैं फिर से फेल हो गया। इसलिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को मेरे बारे में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। 10th तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अच्छे नंबर आ गए तो माँ बाप तो छोड़ो, मेरे सारे दोस्त, पड़ोसी, दुकानदार, यहाँ तक कि मेरे अपार्टमेंट का गार्ड भी मुझे बोलने लगा, साहब आप तो साइंस ही लोगे, इंजीनियरिंग ही करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को साइंस पसंद नहीं थी। आई लव साइंस, साइंस इज ब्यूटिफुल, साइंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन जब मैं 11th में आया तो स्कूल में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे हाफ इंटरेस्टेड टीचर्स साइंस तो पढ़ाते ही नहीं थे, पढ़ाते थे तो सिर्फ रोबोट की तरह कम से कम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करना। That killed the beauty of science, sir. और वो मेरे क्लास का फिजिक्स टॉपर, वो तो ये मानता ही नहीं था that evolution actually happened. उसको सिर्फ जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने थे। So much obsession with science, sir. Yet India hasn't won a single Nobel Prize in science since independence. Nobel Prize तो चलो awards हैं। India produces the maximum number of engineers per year. Yet India ranks 60th in the Global Innovation Index. That means no major innovation has happened since independence. सिर्फ आर्यभट्टा invented zero, यही करते रहते हैं। सच बताऊं तो 10th के बाद आई वॉन्टेड टू स्टडी फिजिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, हिस्ट्री, म्यूजिक एंड इंग्लिश लिटरेचर। मेरे इंटेलिजेंस और कैलिबर का वैल्यूएशन इन सारे सब्जेक्ट से क्यों नहीं हो सकता था? क्यों मैं उन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता था जो मुझे पढ़ने ही नहीं थे? तो मैंने छोड़ दिया, कोचिंग जाना ही छोड़ दिया। कोचिंग के टाइम पे घर से निकल जाता था, पार्क में नॉवेल्स पढ़ता था, नई नई जगह घूमता था। टू बी ऑनेस्ट, आई फेल्ट फ्री, इट फेल्ट गुड नॉट टू बी अ ज़ॉम्बी। आई लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग ऑन माय ओन, आई लिसन टू सम ब्यूटीफुल म्यूजिक बाय मोज़ार्ट एंड रहमान, आई रेड पोएट्री, आई टॉट माइसेल्फ पाइथन एंड आई रेड सम अमेजिंग राइटअप्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। मैं एक बड़ा कदम ले रहा हूं, आई एम ड्रॉपिंग आउट। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग ये लोग सब ड्रॉप आउट्स हैं, इसलिए भी नहीं कि मुझे ड्रॉप आउट का टैग कूल लगता है, और फेल होने की फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। डियर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई एम ड्रॉपिंग आउट सिंपली बिकॉज यू डू नॉट मेक एनी सेंस। अब तुम यही पूछोगे कि तुम्हें जॉब कौन देगा, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? तो भाई, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा ना जो मेरे स्किल्स को देखे, मेरी क्रिएटिविटी को देखे, मेरे इंटेलिजेंस को देखे, सिर्फ मेरे CGPA को नहीं। हाँ, फेल हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत कुछ है सीखने को, जानने को, करने को। सिर्फ मेरी मार्कशीट ही कहती है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लूंगा।